व्हाट्स एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय वाइल्ड विक्की सिंह, बैक टू न्यू वीडियो माय सेक्सी गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो घूमने के लिए कहाँ जाएंगे आकाश को, क्योंकि लाइटिंग वगैरह कुछ खरीदना है। तो कोलकाता हम लोग जा रहे हैं, कोलकाता की धर्मतला। वो कहाँ पे लेकर जा रहा है मेरे को कुछ पता नहीं है, बट ये मुझे पता है कि मैं कुछ खरीदने नहीं जा रहा हूँ, वही जा रहा है। आप उसको क्या लेना है नहीं लेना है इससे तो वही जानता है, बट मेरे को कुछ नहीं लेना है। मेरे को सिर्फ वो लेकर जा रहा है तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, फुली स्पॉन्सर सब कुछ वही करवा रहा है। लेकिन मेरे को घूमना था इसीलिए मैं सोचा कि उसके साथ चला जाऊँ। अभी हो रहा है इंतज़ार आकाश का, आकाश बाबू कहाँ पे है ये तो हम लोग को पता नहीं है। वैसे भी घर पे गए उनका, आ रहे हैं, बोले हाय। हाय नहीं, वो बोले आ रहा हूँ। सो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद आ गया हमारा हीरो आकाश जी। तो सो गाइस हम अभी आए हैं टीकापाड़ा। प्लान में छोटा सा एक चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है आकाश जी बताइए, चेंजिंग क्या है? चेंजिंग यही है कि हम लोग बाई ट्रेन जाएंगे। और एक छोटा सा चेंजिंग जो बोलने में पहले मेरे को मिस्टेक हो गया कि हम लोग धर्मोतला जा रहे हैं, बट हम लोग धर्मोतला जा नहीं रहे, हम लोग जा रहे हैं कैनिंग स्ट्रीट। यस, क्योंकि ये चेंज इसने किया है। नहीं, भाई ने पहले से ही बोला था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि हम लोग जाने वाले हैं धर्मोतला, बट पहले टिकट काटते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, फिर जाते हैं। गाइस आकाश अभी काट रहा है टिकट। कब टिकट काटने में कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लाइन है अंदर। मेरे को जाने का कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि आकाश को टिकट लेना है, मेरे को क्या काम है, तो इसीलिए मैं वहाँ गया नहीं। अभी सीधा हम लोग यहाँ से जाएंगे हावड़ा। चलो आकाश आ गया, हम लोग बात करते हैं हावड़ा। चलो सो गाइस हम लोग अभी टिकियापाड़ा आ चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोगों को ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। ट्रेन अक्सर टिकियापाड़ा में ट्रेन हम लोग को बहुत 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 ज़्यादा ही लेट से मिलता है। पता नहीं हम लोग पहले आ जाते हैं या ट्रेन हम लोगों के बाद में आता है, लेकिन इतना पता नहीं है, पता नहीं क्यों इतना प्लेटफॉर्म खाली है, बट सामने वाला जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पर देख सकते हो आप लोग, वो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है। क्या पता वहाँ क्या, शायद फ्री में लेकर जा रहा है इसलिए इतना भीड़ है, और हम लोग यहाँ पे टिकट लगा है इसीलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जर्नी पे करना पड़ रहा है हम लोग को पे करके जाना पड़ रहा है, वो लोग हराम को ही लेके जा रहे हैं इसलिए शायद वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। तो अभी देख पीछे देखो, 4:36 हो रहा, पता नहीं, चलो आगे जाते हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा टिकट, हम लोग का टिकट 5 रुपया लगा है यहाँ पे, 5 रुपया लगा है ना, 10 अप एंड डाउन हम लोग को 10 रुपये करके पड़ा है। ऐसे इसको दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन आकाश स्पॉन्सर कर रहा है ना तो दिखाया भाई, मैंने लेकर गया है। देखो अभी 4:36 हो रहा है, अब पता नहीं ट्रेन का बात है, हम लोग को ट्रेन के लिए वेट करना पड़ेगा। ट्रेन हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकाश पहना है क्योंकि आकाश को आर्मी में जाना है, लेकिन फिर भी वो कोई रूल फॉलो नहीं करता है। मास्क वगैरह देखो, मास्क खोल दिया है। मेरे को तो आर्मी में जाना ही नहीं है ना, मेरे को आर्मी से प्यार है इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मतलब मोहब्बत बोले तो भाई वाला मोहब्बत, और कुछ मोहब्बत मत समझ लेना, एक मोहब्बत है ऑलरेडी और कोई मोहब्बत के बारे में सोचना मत। वैसे भी इससे क्या उम्मीद किया जाएगा, तो लड़का है आराम सॉरी आप लोगों को, आप लोग गलत मत सोचना, जो भी है मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसको फ्रेंड नहीं मानता मैं, अपना भाई मानता हूँ। हाँ कभी कभी गधागिरी करता है, बहुत गुस्सा आता है, गाली देता हूँ, बट क्या है छोड़ जाने तो, भाई है अपना। हम लोगों को बहुत देर से खड़ा नहीं, हम लोग ऐसे देखो अभी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हम लोग बैठे हुए हैं अभी, हम लोगों को बैठे ही रहना पड़ेगा। कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, लेकिन ट्रेन नहीं आया तो क्या करें, खड़े खड़े पांव दर्द हो जाएगा, उससे अच्छा हम लोग बैठ गए हैं। अभी देखते हैं ट्रेन कब आता है, तब तक के लिए वीडियो आप लोग देखते रहो। और एक बात और, वैसे ट्रेन कितने महीने बंद था? 5 मंथ ट्रेन बंद था, अभी से चालू हो गया। मेरे को सुनने में आया था कि लॉकडाउन फिर से होने वाला है, बट अब मेरे को लगता है कि लॉकडाउन नहीं होने वाला क्योंकि ट्रेन खुल चुका है। अब क्या सही है क्या गलत वो तो आगे जाके पता चलेगा, सब कुछ तो हमारे देश के सरकार के ऊपर है, हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है। तो वही बात, हम लोग 5 महीने बाद टिकियापाड़ा स्टेशन में हम लोग बैठे हुए हैं, सही में मानना पड़ेगा 5 मंथ मुँह का बात थोड़ी ना है। फिर भी चलो
एटलीस्ट खुला तो। हाँ ये इंग्लिश में बोलता, मैं ट्रांसलेट कर लेता, मेरे को इंग्लिश उतना खास नहीं आता सॉरी मैं तो जोक कर रहा हूँ, सही बात, लेकिन भी उतना फास्ट भी नहीं आता है जिसको जितना, ये तो हाई क्वालिटी है। बोले नहीं आर्मी मैन है, मैं गरीब आदमी फकीर कहाँ जाऊँगा तो भी बैठ बैठ के इंतज़ार करते हैं, देखते हैं ट्रेन कब आता है, तब तक के लिए। तो गाइस अभी ट्रेन आ चुका है, हम लोग को ट्रेन पे चढ़ना पड़ेगा। सो ट्रेन का बॉगी बहुत ज़्यादा खाली, चलो ये कौन सा ट्रेन है, चढ़ा जाएगा, रुकते हैं थोड़ा रिलैक्स करते हैं ना, आराम से, अपना ही ट्रेन है, यहाँ पे कुछ खराब लग रहा है, सही ट्रेन तो अपना ही है, प्रॉब्लम क्या है, जब भी आएगा तब चढ़ जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बस ज़्यादा छटपट नहीं करने का, दो मिनट ही रुकेगा यहाँ पे, कहीं छूट गया ट्रेन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्या। सिग्नल है अभी, सिग्नल है अभी, छूटेगा नहीं, फिर भी हम लोग का लतखोरी जाएगा नहीं है, ट्रेन में जाके शांति से बैठ सकते हैं, ऐसे भी ट्रेन में कौन बैठता है, हम लोग जैसे लड़के लोग कभी ट्रेन में नहीं बैठते, हम लोग यहाँ, हम लोग गेट पे देख पाओगे, हम लोग बिना चुतियाबंदी के नहीं बैठे, यस हम लोग बिना चुतियाबंदी के नहीं जा सकते कहीं भी, अवेलेबल हम लोग दो बंदे कहीं फिट नहीं बैठते बिना चुतियाबंदी के। स्वागत, बाय 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 बाय, अभी जल्दी आओ, लतखोरी देखो इनका। बात हो गया, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा कि नहीं सुनाई दे रहा, आकाश बोल रहा है कितना महीनों बाद ये हम लोगों को ये साउंड सुनाई दिया, यस जंक्शन बहुत दिनों बाद, महीनों बाद सुनाई दिया दिन में, अरे यहाँ पार्क है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो रुक गया यहाँ पे ट्रेन, अक्सर यहाँ पे ट्रेन बहुत स्लो हो जाता है, मेरे को पता नहीं है क्यों यहाँ पे स्लो हो जाता है, क्योंकि सब पता है लेकिन ट्रेन रुका नहीं है, चल रहा है, मेरे ख्याल से मेरा आवाज़ ये ट्रेन वाला सुन लिया जो ड्राइवर चला रहा है, इसी वजह से ट्रेन को फास्ट कर दिया गया है, फिर से हावड़ा में शायद ट्रेन का जो पटरी है बहुत ज़्यादा ही जिगजैग होने की वजह से शायद यहाँ पे ट्रेन इसलिए धीरे जाता है, अगर ट्रेन पलट ना जाए कहीं उल्टा सीधा ट्रेन के पटरी में ना घुस जाए, इस वजह से शायद यहाँ पे ट्रेन बहुत स्लो जाता है। पीछे का बैकग्राउंड तो देखो, क्या हो क्या है आकाश, ये हावड़ा का कार सेट, सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हावड़ा, उतरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उतरूंगा कुदक के, कहीं पे साला गिर भी गया चोट वगैरह लग जाएगा, हड्डी बड्डी भचक भचक जाएगी, विक्की जब तक चूतियापंती ना करे मज़ा नहीं आता तब तक, ऐसे ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं उतर गया आकाश पीछे ही खड़ा रह गया, और कुछ दिन पहले यहाँ चल रहा था कि कोरोना कोरोना कोरोना, भीड़ नहीं करना है, ये नहीं करना है, अभी आप जो व्यू देखोगे उससे शायद आप लोगों को कुछ पता चल जाए, ये रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, ये चल रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है, लोग बोलते हैं कि दूर रहो दूर रहो, ये देखो दूर रहने के साथ साथ मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा टचअप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मास्क सबको पहने हुए हैं, सब रूल्स मास्क का जो रूल है वो सबको फॉलो कर रहा है, मेरे को पता है, सैनिटाइज हो रहा है क्या, ये आकाश मेरे को बताया, झूठ बोलता है पागल, कहाँ सैनिटाइज हो रहा है, व्यू देखे व्यू फॉग भी हो सकता है क्या, यहाँ पे कुछ सैनिटाइज वैनिटाइज नहीं कर रहा है, इतने लोगों को एक साथ सैनिटाइज कैसे करेगा, बेवकूफ मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे लगा देते ऐसे ही सैनिटाइज हो जाएगा, यहाँ पे देख के लग रहा है व्यू कि हाँ सैनिटाइज हो रहा है, बट यहाँ पे सैनिटाइज नहीं हो रहा है, आँखों का धोखा है जो ये खाया और मेरे को भी खिलाया, और मैंने आप लोगों को भी खिलाते खिलाते बचाया, तो यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं ऐसे ही, हम और आकाश कहीं भी जाते तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, हर साल हम लोग क्या करते हैं टीटी का मस्ती लेते हैं, हम लोग हर साल टीटी का मस्ती लेते हैं जब भी यहाँ पे आते हैं, हम लोग टिकट होता ना कि टीटी कैसे पकड़ता है, मुंह देखकर पकड़ता है, फेस देखकर पकड़ता है कि हाँ ये इसके पास टिकट हो सकता है नहीं हो सकता, हम लोग ऐसे ही फेस बनाते हैं कि जाते हम लोग आके पकड़े, मेरे को पता नहीं इस बार पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, चलो हम मेरे को टिकट नहीं दिया था क्या पागल औरत है, सॉरी आदमी है सॉरी सॉरी मैंने इसको औरत बोल दिया, ये है सॉरी आकाश सर, नहीं मैंने टिकट मेरे को नहीं दिया था,
खो गया टिकट, चल अब जो होगा देखा। खो गया तो सही में मेरे को अब लगता है कि हम लोग का होने वाला है 208। वाह गजब का व्यू है। अभी तो लाइट जला दिए, शायद मैं आया इसीलिए मेरे के लिए लाइट जला दिया गया है। पा रहा है बहुत क्लीन आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। इस साल मज़ा नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम लोग को पकड़ा भी नहीं, छुआ तक नहीं। यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ मास्क, सब दूर दूर है यहाँ पे। नहीं मास्क पहन लेना ज़्यादा अच्छा है, कहीं आके हम लोग को फाइन मार दिया बिना टिकट का भी फाइन। तो छोड़ो टिकट का फाइन तो अलग लगेगा, मास्क का फाइन अलग लग जाएगा, पोपट दोनों तरफ से हो जाएगी हम लोगों की। आकाश मज़ा आया? नहीं मज़ा नहीं आया क्योंकि टिकट पकड़ा ही नहीं हम लोग। हम लोग का शकल वैसे ही है लूट के खाने वाले, फिर भी हम लोग को नहीं पकड़ा। का जो हम लोग का स्टेशन है स्टेशन के अंदर उस हिसाब से हम लोग को घुसने नहीं दिया। हम लोग को बाहर से मतलब थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ही हम लोग को पुलिस हम लोगों को निकाल दी वहाँ से। अब तो चलते हैं यहाँ से हम लोग ऐसे ही। आकाश कैसे जाओगे? हाँ थैंक यू। कैसे जाएंगे हम लोग भाई? बस बस से जाओगे? या भाई वॉक। आकाश बहुत ज़्यादा दिलेरी दिखा रहे हो तुम तो। जैसे बोलो वैसे चला जाएगा, पैसे वाला है भाई, कुछ भी कर सकता है। मैंने वो बहुत कमाता है, आर्मी में जाने का ख्वाब है, आर्मी में मेहनत भी करता है। चलो भगवान करे इसका लग जाए, सब दुआ करो कमेंट में इसका हो जाए आर्मी में जब, तो मेरे को भी प्रॉफिट होगा ना। हम भी कहीं भी जाएंगे तो हराम का खाएंगे ना, हमें तो नोच के खाने की आदत है। एक भैया आए मेरे से पूछे यूट्यूबर। अबे यार मेरे यूट्यूब पे उतना सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं बोल नहीं पाया कि यस आई एम यूट्यूबर। बट मैंने ये बताया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। वो आकाश को आके पूछा कि यूट्यूबर, तो वो बोला कि हाँ मैं बनाता मतलब विकी का चैनल है मेरा। तो उसने बोला थैंक यू आकाश मेरा तारीफ करने के लिए, कोई करता नहीं है मेरा बड़ाई, तुमने किया, तुम्हारे घर पे कैश पहुंच जाएगा। ठीक है वो ब्लैंक चेक रहेगा ना, चेक मतलब रहेगा उसमें बहुत लिखा रहेगा लेकिन पैसे तो एक भी रुपया नहीं है ना। बाउंस खा जाए ना, ये बाउंस का जो 500 रुपया लगता है वो भी तुमने पे कर देना है, मैं तो देना ही नहीं है उसमें। तुमने गया था तुमको पैसा दिया गया, तुम निकाल नहीं पाया, वो तुम्हारी गलती है, मेरा तो गलती नहीं है। 500 मैं क्यों दूँ? मेरे को तुमने बोला क्या? बैंक वाले लोग तुम्हारे अकाउंट से काटेंगे, मेरे अकाउंट से थोड़ी ना। मैं अकाउंट ही बंद कर देना है मेरे को, मेरे को अकाउंट चलाना ही नहीं है, मैं इसको देकर अकाउंट बंद कर दूंगा। पैसे की बात हुआ है, चेक का बात हुआ, मैंने चेक पहुँचा देना। बंद नहीं होती है, बैंक को ही पता रहता है बंदा ये डेबिट खाने वाला है इसीलिए बंद नहीं करता है। वो तो हमारे शकल पे लिखा हुआ है कि हम लोग बैंक पे एक पैसा रखते नहीं है। और बड़े बड़े आप बात करते हैं, मेरे पास इतना ATM है, मेरे पास उतना वो ATM है, ये चेक है वो चेक है वगैरह। हम लोगों के पास कुछ रहता है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सबसे ज़्यादा बड़ा खुशी है वो है मेरे मॉम डैड, और ऐसा एक चौदू सा भाई है मेरे पास, तो साले गाली सुन के भी मेरे साथ रहेगा। थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मेरे को सुन के। ऐसे ही तू क्या कर रहा है आकाश? आराम से तब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़, तो मैं क्या करूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। अभी हम लोग सामने जाते हैं, सामने जाकर हम लोग को देखते हैं कैसे हम लोग को जाना है। बहुत देर से चल रहे हैं यहाँ पे, इतना आवाज़ हो रहा है कि क्या बताऊँ। मेरे को कुछ आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, सुनाई देता हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं सुनाई देता आई एम सो सॉरी। आकाश कितना देर लगेगा और हम लोगों को जाने में? मिनिमम 15 मिनट्स। 15 मिनट 15 मिनट पैदल चल के जाना है यहाँ से, थोड़ा सा दूर है, बाजू में ही है। हम लोग ये जो पूरा ब्रिज देख रहे हो ना, हम लोग का यहाँ पे रिकॉर्ड है। मैं और आकाश मिल के यहाँ पे कितना मिनट में हम लोग कम्प्लीट किए थे? नियर अबाउट टू मिनट्स में हम लोग ये ब्रिज पूरा क्रॉस किए थे। कैसे क्रॉस किए थे? दौड़ के। ये हम लोग का रिकॉर्ड है दोनों का। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ऐसा मस्ती करते ही है, इसी के साथ होता है मस्ती मजाक, और दूसरे जाते जितना भी सारे फ्रेंड है होता है, बट इसके साथ कुछ ज़्यादा ही मेरा मस्ती मजाक, क्योंकि हम लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं, ऐसा ऐसा मस्ती मजाक करते हैं जो और दोस्तों के साथ मेरा नहीं होता है। अनलिमिटेड हम लोग बोले तो चूतिया को बहुत ज़्यादा करते हैं मस्ती मजाक के चक्कर में, ऐसा ऐसा रिकॉर्ड बनाया हम लोग की कुछ पूछो ही मत। सोचने वाली बात है, बहुत लोगों को ऐसा दोस्त मिलता नहीं, मेरे को नसीब है कि ऐसा चूतिया मेरे नसीब में है। चलो अच्छा है मेरे पास ही रहना, जाना मत, पैसा उसे ज़रूरत पड़े हमको दे देना, कोई बात नहीं हम देंगे। मेरे पास है ही नहीं, मेरा औकात ही नहीं है तेरे को देने का, मैं कहाँ से तेरे को पैसा दूँ। मेरा ज़रूरत पड़ता है ये मेरे को हेल्प करता है, इसका जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं हेल्प करता हूँ,
ये मेरे को हर चीज़ से हेल्प करता है। अब मेरा हेल्प जो होता है, जो मेरा हैसियत में रहता है, मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं हर जगह खड़ा होता हूँ। तो ये एक ही चूतिया है मेरे पास, मेरे जाने का बहुत 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 सालों से इसका बोले तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम है कि ये इसको आर्मी में जाना है। तो सब प्रेयर करो कि इसका इस साल हो जाए। मैं तो दिल से प्रेयर करता हूँ कि मेरा भाई का हो जाए आर्मी में सिलेक्शन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा, एक प्राउड सा लगेगा। मैं अगर कुछ कर नहीं पाया तो मेरा भाई गया आर्मी में देश का संरक्षण करने के लिए। मैं तभी ना नींद से सो पाऊँगा कि आकाश मेरा भाई गया वहाँ बंदूक लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है सिर्फ हम लोगों के लिए। बहुत प्राउड फील होगा इस पे। रिस्पेक्ट द इंडियन आर्मी। इसी बात पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसी बात पे मेरे सब कमेंट बॉक्स में जाके एक जय हिंद लिख देना इसी बात पे, इसके लिए और मेरे इंडियन आर्मी और इंडिया के लिए। प्लीज़ सारे इंडियन लवर जाके एक बार जय हिंद लिख देना, बहुत दिल को खुशी होगी, अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर है यार। देखो बोलना चाहिए था इतना पैदल चलना, अब नहीं होता, पहले होता था बट अब नहीं होता है। क्या करें यार, क्या फिटनेस है, फिटनेस क्या, सुबह को उठता हूँ, काम में जाता हूँ, बस पहले जिम जाता था बट अभी जिम नहीं जाता हूँ, क्या करूँ यार, स्किप करना पड़ा। तुम लोग जैसा नवाब का बेटा नहीं हूँ ना, नवाब का बेटा सर आपसे पहले तो मैं उठ जाता हूँ। हाँ ये तीन बजे, ये बात अलग है कि ये 3 बजे उठ के जाता है अपना प्रैक्टिस के लिए, मैं उस टाइम सोता हूँ, बट मेरा जिम जाने का टाइम नहीं होता है। और एक बात ये भी, मेरा जिम जाने का टाइम नहीं होता, लेकिन ये सुबह को 3 बजे उठ के कम माल हवा हो जाता है, मेरे को पता भी नहीं चलता है। और जब मैं उठता हूँ तभी अपना ट्रेनिंग ख़त्म करके आता है, जब मैं काम में जाता हूँ तब ये फ्रेश होता है। सोचो तो कितना मेहनती लड़का है, इसको जाना चाहिए था, इसको हो जाए इस साल। सब प्रेयर करो यार, क्या करते हो तुम लोग भी, भाई को, भाई मेरे हर जगह मेरे साथ रहता है यार, प्रेयर करो यार इसका हो जाए। आप लोगों का प्रेयर की वजह से इसका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, होगा जरूर, कन्फर्म होगा आप लोगों का प्रेयर की वजह से। आप लोग प्रेयर करो कि भाई को इंडियन आर्मी में चांस मिल जाए, अपना देश का और अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा नाम रोशन करे और अपना भी। आई प्राउड माई ब्रदर। सो आकाश तुमको वहाँ पे जाना है, क्या क्या शॉपिंग करोगे बताओ जरा। लाइट वगैरह लेंगे और उसके बाद वहाँ से और कुछ देखते हैं, स्काई लाइटन मिल गया तो वो भी ले लिया जाएगा। और प्लस फिर वहाँ से आने टाइम यहाँ पे फ्लावर मार्केट है, फ्लावर मार्केट से कुछ फ्लावर लेंगे, ऑब्वियसली कल पूजा है तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा। हाँ और कुछ शॉपिंग करोगे, मेरे को कुछ कराओगे शॉपिंग, आप करो शॉपिंग। अच्छा मैं तो करूँ, मैं कर लूँ, पैसा कौन पे करेगा, तुम पे करोगे मेरा भाई। तुमने क्या बात बोली है, तुम अपना पैसा खुद पे करो यार, मैं नहीं पे करने वाला। नहीं नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, रुजा रुजा पहले रोड क्रॉस करने दो। ओह माय गॉड, हाँ तो क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं ना कमाता हूँ, मैं बहुत एवरेज में कमाता हूँ, मैं गरीब हूँ, तुम अमीर हो, ठीक है, तुम फक्र करो। चलता है वो तो आपको ड्रेसअप से पता चल जाएगा। मैं ड्रेसअप, पेट में खाना नहीं है, ड्रेसअप पहन के क्या करेगा इंसान, वही देखता है ड्रेसअप 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 यार। मेरे पास 1 रुपया के ये के नहीं रखते मस्ती मजाक करने के लिए, साला मस्ती मजाक में मेरा कपड़ा तक चला गया, बताओ ये बंदा मतलब पैंट को उतार के छोड़ेगा क्या तू मेरा, ये वाला बता। ऑब्वियसली इंसान जज करता है ड्रेसअप से, ड्रेसअप इन दोनों में, हम दोनों में से किसका बेटर है आप ऑब्वियसली वीडियो में देख के पता चल जाएगा। ये लग रहा है आर्मी मैन पक्का। मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ जरा, बताना जरूर कमेंट में मैं कैसा लग रहा हूँ, अगर मैं नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन बताओगे तो दिल को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आराम से क्या भाई चढ़ाएगा क्या ऊपर हो जाइएगा। ये अभी हम लोगों को क्या देखने को मिला, हम लोगों के देश में क्या बोला जाता है कि पान मसाला नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। अभी पीछे करके देखो क्या देखने को मिला, विमल का इतना बड़ा ऐड कर रहा है, सोचो हम बोला जाता है कि नहीं विमल नहीं खाना चाहिए, विमल क्या कोई भी पान पराग नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी क्या इतना बड़ा बैनर क्यों लगा के रखे हो, तब हम नहीं खाना चाहिए ये सब, जब कैंसर वगैरह कुछ होता है तो क्यों इसको लगा के रखते हो, इतना बड़ा होल्डिंग लगाने का क्या मतलब है, मतलब हम लोग का गवर्नमेंट क्या है, मतलब बोलता मैं नहीं भी खाओ और ऊपर से ऐड भी करता है, सब पैसों का खेल है और कुछ नहीं, पैसे मिल रहे हैं, रोकड़ा मिल रहा है ना, बस इतना बस। सो गाइस हम लोग अभी लाइट मार्केट के अंदर है, अभी देखते हैं आकाश क्या लेता है नहीं लेता है आगे। तो हम लोग अभी पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। हम लोग अभी एक दुकान में भी घुसे नहीं है, दुकान में हम लोग को जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक बड़ा सा दुकान दिख रहा है, आकाश शायद रुके हैं यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ का लोकेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो क्या करोगे, कहाँ से लोगे बोलो, देखा जाए दुकान में। तो एक काम करो ना, पहले पूछते ना यहाँ पे चीपेस्ट कौन सा मिलेगा। ऐसे हम लोग चीपेस्ट ही लेने आए। आकाश का फोन आ रहा है। हेलो, यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ, यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ, क्या नाम? विक्की स्टार सेवन। विक्की स्टार सेवन। सो गाइस, यहाँ पे भी प्रमोशन करने को मिला। वो भैया है वहाँ पे, यहाँ पूछे कि यूट्यूब पे चैनल है। मैंने वही बताया मेरा जो चैनल का नाम है, नाम चेंज हुआ है, कितने जन देखे हैं, कितने जन को वो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नेम है वो नेम कितना जन को अच्छा लगा, सो कमेंट करके बताना। विक्की स्टार सेवन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पे बताओ नाम। दुकान में तो बहुत अच्छा मेरे को मिला, यहाँ पे चिकट से आ सकते हो, बजट थोड़ा तो ये हो जाएगा ना, ऊपर नीचे होगा, हाँ नीचे हो जाएगा ऊपर कुछ नहीं। नाम देखो डॉट आगे, यहाँ पे विक्की स्टार सेवन बोलना आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ विक्की सिम बोलना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। बोलो क्या बात है जय, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। भाई ने मेरे को बोल रहा है कि मेरा नाम लेने से यहाँ पे थोड़ा बजट ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा नीचे ही होगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आके यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब देखते हैं आकाश क्या लेता है, मेरे को भी लेने का मन कर रहा है, बट मेरे घर पे सब कुछ है, लाइट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी लाइट सजा चुका हूँ, तो मैं कल दिखाऊंगा। आप लोग जो दिवाली का जो ब्लॉग देखोगे, जो संडे को देखोगे, वो ब्लॉग में आपको सब कुछ दिख जाएगा। मैंने पूरा पूरा ये में क्या किया, मैंने लाइट वगैरह क्या घर पे लगाया हूँ, नहीं कल सजाऊंगा बजाऊंगा सब कुछ दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब देखते हैं आकाश को यहाँ पे क्या लेना है, देखते थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक, मेरे को लाइट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा, मतलब लाइट, वो लाइट तो बहुत ज़्यादा स्टार, मतलब उसमें स्टार बना हुआ है, तो बॉक्स जैसा भी है, पहले दिखाता हूँ मैं। अलग साइज ये ग्रीन कलर का है, एलईडी है, बहुत ज्यादा ही अच्छा, मतलब ये सब कटने का डर ज्यादा रहता है। ये नया है ना मार्केट में अभी? जी, नया अवेलेबल हुआ इस साल, ये यानी चाइना का इंडियन प्रोजेक्ट निकाला गया, ये सब इंडियन प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा अच्छा है इंडियन प्रोजेक्ट। ये साल का सबसे पहला है, न्यू आया ये वाला, ये सब तो आप लोग देख पाए, देख पाते होंगे, लेकिन ये वाला जो है एलईडी के बाद, इसका नाम कुछ अलग है ना इसका? जी जी, हैंडमेड, हैंडमेड, इसका हैंडमेड नाम है इसका, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। ये सब सारे प्राइस कितना है? सारे के प्राइस ये सब 250 समथिंग है। ओ, सब 250 या 350 का प्राइस है? 60 रुपए से स्टार्टिंग है, 350 तक है। साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस, बहुत अच्छा डिस्काउंट वगैरह कुछ
ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर डिस्काउंटिंग का ही चल रहा है, लास्ट डेट है सब है। अच्छा सर मेरा वीडियो में क्या है, कब मिलेगा? रिव्यू मिलेगा सर, यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, यहाँ पे आके मिलिएगा कोई भी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई का बहुत अच्छा दुकान, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका बहुत ज़्यादा ही। बहुत अच्छे दामों में अच्छे अच्छे लाइट्स लगी, और बोलिए यहाँ पे बिकी स्टार 7 तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है, और यहाँ पे दुकान तो देखते रहे अट्रैक्टिव लग रहा है, सो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग यहाँ पे आइए जरूर लाइट देखते हुए। थोड़ा सा प्रमोट भी हो गया मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी हो गया कि मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ मतलब मेरे नाम से यहाँ पे कोई भी आएगा तो उसको थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आकाश को एक दुकान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पे लाइट है ही नहीं जो आकाश ढूंढ रहा है, इन्हीं के पास से लेकर जाते हैं हर साल, हम लोग इन्हीं के पास से लेकर जाते हैं, बट इस साल ये लोग रखे ही नहीं, शायद भूल गए हम लोगों को, कौन याद रखते हैं हम लोगों को, लोग निकम्मे हैं। आकाश बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला, साला लाइट खरीद लिया, मेरे को बोला भी नहीं, लाइट कौन सा लिया मेरे भाई? वही LGM LED लाइट, वो LED जो है वो अपने ये पे मल्टी कलर वाला लाइट लिया अपना। कहाँ से जाओगे? घर के बाहर, अपने घर के बाहर, एंड वो जो पूजा पूजा का स्थान थे, हाँ वो सब जगह पे तुम सजाओगे ना। चलो अच्छा, ले भी लिए, मेरे को बताया भी नहीं तुम, चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा ना पीछे में एक फ़ोन आया तो वो फ़ोन रिसीव करने में लग गया, तो फिर इससे बात नहीं हुआ, ये ले लिया अपना। चलो ठीक है, चलो यहाँ से पहले निकलते हैं, भीड़ भड़क का बहुत ज़्यादा, यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं बाहर हम लोग और क्या ये खरीदेंगे। फ्लावर मार्केट लेके चलते हैं, हाँ इसके बाद तो हम फ्लावर मार्केट जाने वाले हैं, वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर मिलते नहीं, उससे पहले भी आप लोगों को कुछ मिलेगा, अगर मिला देखने को तो बहुत अच्छा है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर कुछ नहीं मिला तो वहीं पर मिलेंगे डायरेक्ट। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, सुन लेना आवाज़ कुछ भी सुना दे रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग है पीछे, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सारे खड़े हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, आप इतने लोग खड़े हैं सारे, मैं अकेला रूल फॉलो करूँगा, कहीं चपटा उपटा हो गया गाड़ी के नीचे, सोचो रूल कोई फॉलो ही नहीं करता, यहाँ पे सारे ऐसे ही खड़े हैं। चलो सड़क कर दिए हम लोग पार, छोड़ जाने तो सो हम लोग रोड हो गए अभी पार, अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लावर मार्केट, थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, बस बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा ही रोड बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्यों है? क्योंकि कल दिवाली है। आकाश चाय पिला रहा है, चाय मैं नहीं पीता हूँ भाई, लेकिन तू पिलाएगा फिर भी पीऊँगा, पिला कुछ अच्छा सा खिला, नहीं चाय नहीं पीऊँगा सर, चाय वगैरह मेरे को जमती नहीं है, चाय मैं नहीं पीता हूँ। सो कभी फ्लावर मार्केट जाएंगे, आप देख पा रहे हो कोलकाता में रूल्स तो छोड़ो यार, मास्क पहना है या फिर भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा है, मास्क पहन कर इंसान, अब उधर से जाना पड़ेगा घूमगा, तो वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग से इंसान को जाना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से कोई जा ही नहीं रहा, क्यों? सबको इधर से पार होना, कौन रूल फॉलो करेगा यार, ये कोलकाता रूल फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे इंसान रूल खुद ही बनाता है, कुछ कुछ लोग होता है, मैंने भी रूल तोड़ा क्योंकि मैं वहाँ पे सबको ही वहाँ पे इकट्ठे खड़े थे, इसीलिए मैंने भी वहाँ से पार, अगर मैं वहाँ से क्रॉस करता रोड तो अकेले था यार, जो लोग रूल्स नहीं फॉलो कर रहे थे वो लोग आगे इकट्ठे खड़े थे, वो लोगों के लिए रुक जाते, और मैं वहाँ अकेला खड़ा था, मेरे को कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैंने भी जेब्रा क्रॉसिंग से रूट क्रॉस नहीं किया, मैंने रूट क्रॉस किया उन लोगों। फ्लावर मार्केट आ गया भाई, हम लोग फ्लावर मार्केट आ गया, उधर से चलते हैं, हम लोग रास्ता गुम हो गए हैं, सोचो तो पहले पूरा कोलकाता घुमा हुआ है लेकिन यहाँ पे आके रास्ता गुम हो गया, होता है बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हम गरीबों के साथ अक्सर ऐसी बात होती है, क्योंकि हम लोग कोलकाता कभी उतना खास हम लोग घूमे नहीं है, ठीक है ये घूमा है फिर भी खो जा रहा है, मैं तो घूमा नहीं हूँ, मैं तो खो के कहाँ चला जाऊँगा, कोई ठीक ही नहीं है, इंसान है मार्केट ही भूल गया है कहाँ पे जाना है, हम लोग को खाली सीधा सीधा लेके जा रहा है, हम लोग तो ऐसे ब्रिज में पहुँच जाएंगे। ओए आकाश, तुमको मिला है कि नहीं मिला पहले ये बताओ, जगह पे हूँ यहाँ से फुल मार्केट ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सस्ता मिलता भी है, तो यहाँ पे फल से लेकर दाल वाल वगैरह सब कुछ, आप ग्रोसरी का जो भी सामान होता है यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ता में मिलेगा, यहाँ फ्लावर सब कुछ, हावड़ा ब्रिज पे आप जब आओगे तो वहाँ से आपका स्टार्टिंग हो जाता है सब कुछ, ये सब मार्केट का भूल जा रहा है मेरे को, गोल घूमना। अब आ गए हम लोग प्रॉपरली फुल मार्केट, अब अंदर जाते हैं यहाँ से क्योंकि अंधेरा है।
आकाश का फ्लावर मार्केट से फ्लावर लेना हो गया। अभी हम लोग आकाश मेरे को एक ऐसा जगह लेकर आया है जहाँ से हावड़ा ब्रिज का व्यू बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखता। चलो सही है, यहाँ पर फ्लावर भी बहुत हम लोग को सस्ते में मिल गया ना एक जगह। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, कहीं भी जाओ अगर कोई मार्केट जा रहा हो तो मार्केट में पहले 10 दुकान घूमो उसके बाद लो। नहीं तो पहले हम लोग कहाँ गए थे, पहले फर्स्ट दुकान में हम लोग गए थे तो वही फ्लावर का दाम हम लोग को कितना बोल रहा था, 200 बोल रहा था। और मेरे हम लोग थोड़ा घूमने के बाद हम लोग को कितना में पड़ा, 100 में पड़ा। सोचो हम लोगों को कितना, मतलब आधा, उससे आधा मतलब हमसे ज़्यादा, 100 हम लोग से ज़्यादा ले रहा था। हम लोग थोड़ा घूमे तो उसके बाद हम लोग देखो हावड़ा ब्रिज का व्यू, शायद इसको अच्छा नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हो बैग का क्या कलर किया है यार, ब्रिज बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी रात के टाइम में हम लोग का कोलकाता बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का कोलकाता का जो लाइटिंग है, हावड़ा ब्रिज हो गया और हावड़ा स्टेशन, जो हावड़ा स्टेशन हम लोग का और हावड़ा ब्रिज, ये दो बहुत ज़्यादा फेमस है। हावड़ा ब्रिज बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि रात के टाइम में आप जब भी आओगे या सुबह के टाइम में आप जब नीचे जाओगे, नीचे से जाओगे ना ब्रिज के, नीचे से जाओगे ब्रिज के अंदर से जब जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन रात के टाइम में आप जब यहाँ से वो ब्रिज पर खड़ा होकर जब आप लोग व्यू लोगे ना, तो यहाँ से ईडन गार्डन दिखाई देगा आप लोगों को, सब कुछ, सब कोई लोकेशन यहाँ पे आपको दिखाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आके दिल को सुकून मिलेगा। इस आकाश का शॉपिंग भी कंप्लीट, हम लोग का वहाँ घूमना भी कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया। आकाश अब कहाँ जाना, घर? अब हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे। प्लेन पकड़ के जाओगे? ट्रेन, ट्रेन, बाइक ट्रेन। अच्छा अच्छा, हम लोग बाइक ट्रेन जाएंगे, प्लेन में बैठने का ख्वाब है खाली। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा अब घर को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अच्छा नहीं लग रहा, बहुत घुमाया है मेरे को आज, बहुत ज़्यादा घुमाया है। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ अपने पार्क में। मैं सोचा था घर पे जाके एंड करूँगा, बट घर पे पता चला कि जाने के बाद कि घर पे कोई नहीं है और घर पे ताला लगा हुआ है, तो शायद मेरे को घर से निकाल दिया गया है। रिटर्न के टाइम में इसलिए कुछ नहीं दिखाया कि दिखाने के लिए कुछ था नहीं और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। आकाश इतना थक गया कि वो घर चला गया है, तो मैं सोचा कि मैं पार्क में आके ब्लॉग को एंड कर दूँ। सो ब्लॉग तो मेरे को पता है बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। भाई से अगर मोहब्बत होगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक के लिए।